और अब बात करेंगे हेल्थ और फिटनेस की। हेल्थ और फिटनेस की आज की इस कड़ी में आज हम जानेंगे सुप्त वज्रासन के फायदों के बारे में। सुप्रभात। आज के योगा सेगमेंट में हम अभ्यास करने जा रहे हैं सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन का अर्थ है, सुप्त मतलब लेटना, और वज्रासन एक आसन है जिसमें हम घुटनों के बल बैठते हैं। तो सबसे पहले आप इस प्रकार दंड आसन की स्थिति में बैठ जाइए, फिर अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से घुटने से मोड़ते हुए अपने दोनों हिप्स के नीचे रखिए। यह आपकी स्थिति हो गई वज्रासन की। इसमें आप बिल्कुल रिलैक्स फील करिए, पहले कोई दबाव नहीं होना चाहिए। फिर आप अपने दोनों हाथों को अपने दोनों एंकल्स के पास रखिए और धीरे धीरे अपने एल्बो के सपोर्ट से लेट जाइए। आपके दोनों घुटने आपस में मिले होने चाहिए। अब दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर इस प्रकार से रखिए। आपकी अपर बैक और शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स हैं। आपको आपके थाइस के ऊपर हल्का खिंचाव महसूस होगा और आपकी कमर के निचले भाग पे हल्का दबाव। पुनः आने की स्थिति भी उसी प्रकार कोहनी के सपोर्ट से ऊपर की तरफ आइए और अपनी कमर के इस दबाव को रिलैक्स करने के लिए आगे की तरफ झुक जाइए। और अब आप सम स्थिति में बैठ जाइए। यह आसन आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए बहुत अच्छा आसन है और आपके लेग्स की मसल्स के लिए बहुत ही रिलैक्सिंग है। आपकी बैक इसमें कर्व करती है तो आपके लोअर बैक पे हल्का आपको प्रेशर फील होगा, लेकिन वो प्रेशर आपके लोअर बैक की मसल को स्ट्रेच करता है और वो बहुत ही रिलैक्सिंग है। आप कोहनी के सपोर्ट से जब पीछे की तरफ जाते हैं तो आप अपने कंधों को नीचे की तरफ रख लेते हैं। नीचे रखेंगे तो आपका कंधा बिल्कुल रिलैक्स होगा, तो आपका वर्टिब्रास बिल्कुल इक्वली रिलैक्स हो जाएंगी, नेक से लेकर आपके लंबर तक। इस आसन को जिन्हें नहीं करना चाहिए, जिनको घुटने में शिकायत हो, वे इस आसन को ना करें। प्रेग्नेंट फीमेल्स इस आसन को ना करें, और जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो, शाटिका की प्रॉब्लम हो, वो इस आसन को ना करें। इस आसन को करते वक्त ये सावधानी रखें कि आप अपनी कोहनियों के सहारे से पीछे की तरफ जाएं, लेकिन किसी प्रकार का खिंचाव आपके और किसी भाग पे नहीं आना चाहिए। एक बात का ज़रूर आप ध्यान रखें कि जब आप दोनों पैरों को घुटने से मिलाने की कोशिश करते हैं तो आपका कमर के निचले भाग पर दबाव बढ़ जाता है और आपके थाइस के ऊपर का खिंचाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। शुरुआती दौर में आप अपने घुटनों को हल्की सी दूरी रख के कर सकते हैं, और जब आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो स्वतः ही आपके दोनों घुटने बराबर से आ जाएंगे। तो अननेसेसरी बहुत ज़्यादा खिंचाव मत दीजिए, अपनी बॉडी पे उतना ही खिंचाव दीजिए जितना आप सहन कर सकें। इसी के साथ हम आज का अभ्यास समाप्त करते हैं। नमस्कार।